यदि आपको मैथ में कोई डाउट है, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है और आप चाहते हैं उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन विद वीडियो मिले, तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट ऑफ RWA, देखो ये वाला है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप इस पर अपना क्वेश्चन जो है भेज दीजिएगा, तो आपके क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो विद वीडियो आपको इस पर प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ RWA। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस के जो मैथ है उसका रिवीजन कैसे करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम होना है वो अब उसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है, बिल्कुल नज़दीक है एग्ज़ाम के, तो एक इस कम समय में हम मैथ का रिवीजन कैसे कर रहे हैं इसी के ऊपर मैं बात करूँगा। तो देखो मैथ के रिवीजन के लिए आपको क्या करना है उसके लिए मैं बात बता दूँ। जैसे आपने कोई बैच लिया होगा तो उसके आपने नोट्स बनाए होंगे, है ना, जो नोट्स बनाए होंगे उसके पहले तो आपको सब जितने भी नोट्स बनाए हैं ना आपने जिस टॉपिक के, उन सभी के कॉन्सेप्ट को एक एक बार देख लेना है, एक बार दो बार अच्छे से देख लेना है। फिर उसके बाद में आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट मतलब रोजगार विज्ञान के एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट होते हैं, फ्री में होते हैं, आपको इससे अच्छा कुछ मिलेगा भी नहीं, यहाँ फ्री में होते हैं। तो आपको ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस के मैथ का ही दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट होता है उसी का मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाएं, वो मॉक टेस्ट लगाएं, तो आपको क्या करना है वो चाहे मैथ देखो हर एक एग्जाम में आता है, GD में भी आता है, UP पुलिस में भी आता है, CGL में आता है, MTS CHSL सब में आता है ना, तो आपको डेली एक एक लगाना है। आप किसी का भी लगा लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, जैसे CHSL का ले लीजिए, CGL का ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, क्योंकि मैथ सबका सेम ही होता है, मैथ में कोई अलग नहीं होता, बस थोड़ा फर्क आता है जो लेवल का फर्क आ जाता है, बस इतना ही होता है। तो आपको लेवल से तो घबराना नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में काफ़ी अच्छा खासा लेवल पूछा जाता है, आप प्रीवियस उठा के देखोगे तो काफ़ी अच्छा लेवल पूछा गया है। तो आप एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए उन सभी के, किसी का भी ले लीजिए, आपको जो सफिशेंट लगे आप उसका भी ले सकते हैं, और साथ ही आपको प्रीवियस भी उस पर अंकित भाटी के पढ़े हुए हैं जो एप्लीकेशन पे आप देखोगे मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी लगाने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का मैथ है ना, वहाँ से अपने जितने भी शिफ्ट हुई थी उन सभी के पेपर उसमें पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से उनको लगा लीजिए। लगाने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपके जो गलती होती हैं आपको अपनी गलतियों को पहचानना है। गलतियाँ कैसे पहचानेंगे, आपको गलती जैसे मॉक टेस्ट आपने दे दिया, जो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जैसे मान के चलिए मैं कोई एक सिंपल उदाहरण ले लेता हूँ, आपके आपके परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपको परसेंटेज के ये देख परसेंटेज में अब देखो कई टाइप होते हैं क्वेश्चन के, परसेंटेज में देखो चुनाव वाले क्वेश्चन आते हैं, और देखो एलिगेशन के टाइप में भी आ जाते हैं उसमें, और बहुत सारे टाइप होते हैं, 7 से 8 टाइप बनते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका किस टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो आपको ये चीज़ देखनी है। फिर उस टाइप को ही आपको बुक से या अपने नोट से या आपको वर्कशीट मिली है उससे, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है उसी टाइप पर, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप मॉक टेस्ट दोबारा लगाइए, अगर उस टाइप का या परसेंटेज का क्वेश्चन दोबारा आता है, फिर आप अब जब देखिए आपका क्वेश्चन वो गलत परसेंटेज का क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा है, तो आपका गलत हो रहा है तो फिर आप वो दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत है उसके, है ना। जब आप मॉक टेस्ट लगा के हटते हैं तो आपको एनालिसिस ही करना है, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट लगाने का तभी फायदा है जब आप उसका एनालिसिस करते हैं, अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट होता ही इसलिए कि हम अपनी कमियों को पहचानें और उन कमियों पर सुधार करें, तो अपनी कमियों को पे सुधार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब आपको नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इतना समय भी नहीं है कि आप नया सीखें, है ना, तो अब समय है रिवीजन का, हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना, है ना। तो प्रैक्टिस आप बुक से ज़्यादा से ज़्यादा बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस करोगे आप डेली 40-50 क्वेश्चन डेली पे प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो है कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ेगी और आपका एक अच्छा स्कोर भी मेंटेन होता रहेगा। जैसे आपके मान के चलिए अभी आपके 10 से 11 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो सकता है वो आपके 14-15 हो जाएंगे आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिस का ही खेल है। आप नया पढ़ने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, है ना, आपने जो पढ़ लिया है ना आप उसी को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए आप उस, और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, आप रीजनिंग पे भी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग में आपका इसको 25/25 ही होना चाहिए, और मैथ के लिए तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। आप अपना नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए, और कमियाँ पहचानने के बाद
मैं आपको उस पर उस पर वर्क करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस आप कर लोगे तो उसके बाद में आप देखोगे कि आप ये कमियाँ चल रही है, इस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप उस टॉपिक पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। और साथ ही जब